हिमाचल प्रदेश के शीत मरुभूमि का जहाज कहे जाने वाले चौमूर्थी नस्ल के घोड़े अंतर्राष्ट्रीय लवि मेले के अश्व प्रदर्शनी में लोगों की पहली पसंद बन गए हैं। इस नस्ल के घोड़े तिब्बत सीमान क्षेत्र लाहौल स्पीति के पनघाटी में अब 2000 से भी कम संख्या में बचे हैं। विलुप्त प्राय नस्ल का यह घोड़ा पहाड़ों पर सवारी और भार उठाने के लिए सबसे सुरक्षित माना जाता है। पहाड़ों पर बर्फ और संकरे रास्तों में मजबूती से पैर रखकर और सवारी को बिना तकलीफ होए लेकर जाता है ऊपर तक उसके स्थान तक। चौमूर्थी नस्ल में माइनस तापमान में रहने के साथ साथ अधिक दिनों तक भूखे रहने की भी क्षमता होती है। चौमूर्थी नस्ल की उत्पत्ति तिब्बत के छुमूर्त नामक स्थान को माना जाता है। जी, मैं नमजा पंचायत के खाप गांव से बिलोंग करता हूं जी। ये अश्व प्रदर्शनी और ये घोड़े के मेले में बहुत सालों से हम काम कर रहे हैं जी इसमें। और ये छुमूर्ती नस्ल जो है पहले तिब्बत से आता था जी, अभी तिब्बत ये का बंद होने के बाद यानी कि स्पीति में इसका एक वो है जी, गवर्नमेंट ने एक लरी फार्म में फार्म भी खोल रखा है। और इसके अलावा पिन वैली में सबसे ज़्यादा ये मोद हुआ, टंकी हुआ, संगम हुआ, ठुंगी हुआ और एक दो गांव कौन से होंगी, अपर कोलिंग, बोलिंग, टंकी, इस बीच में सबसे ज़्यादा जी पिन वैली में स्पीति में। तो इसकी खासियत इसका ये है जी, ये यानी कि सवार क्षमता के लिए सबसे अच्छा ये है जी, बोझ ढोने के लिए भी ये पूरा वो लेता है जी। और इसकी पालने के लिए सबसे अच्छा ये है जी, ये साइज छोटा होने के कारण ये कम खर्चे में पड़ जाता है जी इसके। हाँ जी, यानी कि घास पानी भी इसका कम वो होता है। सवारी ढोने में कैसा वो होता है जी, इसमें ये बहुत वफादार होता है जी, यानी कि मालिक का पूरा वो रहता है, कहीं गिर गुर जाए तो ये भागेगा नहीं, वहीं खड़ा रहेगा। चौमूर्थी नस्ल जैसे आपको पता है स्पीति की एक नस्ल है और भारत की 6 नस्लों में एक प्रमुख नस्ल है। और इसके अलावा जो सबसे जो महंगा घोड़ा है वो 70,000 में बिका है और बाकी एवरेज में 35,000 से 40,000 रुपये के बीच में जो बाकी घोड़े भी हैं वो भी यहाँ पर बिके हैं। तो इस बार बहुत अच्छा इंतज़ाम था, हमने सबको मुफ्त में चने दिए, राशन दिया और मैं बहुत आभारी हूँ आर्मी का, अवेरी पट्टी का, जिन्होंने फ्री में हेल्थ कैंप लगाया। और इस बार हमने फर्स्ट टाइम जितने भी यहाँ हॉर्सेज आए थे उनको हमने फ्री डिवर्मिंग सब की गई। तो मुख्य तौर पे ये एक बहुत अच्छा और सफल कार्यक्रम का यहाँ आयोजन हुआ, उसके लिए मैं सभी का, अपने विभाग का, मैडम चंद्र पवार दीदी का, रामपुर की जनता का और सबसे ज़्यादा जो हमारे अश्व पालक है, मैं उनका तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ।